हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। और बेटा, जैसा आपको याद होगा कि हमने लोकेशन ऑफ रूट्स कंप्लीट कर लिया था, उसमें जो पांच टाइप के बेटा क्वेश्चंस होते थे वो हमने देख लिए थे। और लास्ट लेक्चर बेटा मैंने आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की थ्योरी बता दी थी और एक दो उसके सवाल भी कराए थे। आज का बेटा लेक्चर, पूरा का पूरा लेक्चर जो होगा वो क्वेश्चंस पर डेडिकेटेड होगा। आज का लेक्चर और एक लेक्चर और, सिर्फ दो लेक्चर्स बेटा अब हमारे बचते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, एंड उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आज काफी सारे सवाल है हमारे पास, सिर्फ क्वेश्चंस की ही आज हमें प्रैक्टिस करनी है। बढ़िया बढ़िया सवाल है ताकि हमारे सारे कंसेप्ट जल्दी से रिवाइज हो जाए। तो देखिए, हमारे पास पहला सवाल बेटा लिखा हुआ है, इफ ए is less than b is less than c is less than d, prove that fx is equal to x minus a into x minus c plus lambda times x minus b into x minus d has real roots। ये सवाल f x एक quadratic equation बेटा आपको दिखाई दे रहा है, it has real roots for all x belonging to real number। ये हमारे पास सवाल, ठीक है ना, ये हमारे पास बेटा सवाल दिया हुआ है कि if a is less than b is less than c is less than d, prove that fx is equal to x minus a into x minus c plus lambda times x minus b into x minus d has real roots for all x belonging to real number। देखिए, समझने ही बेटा कोशिश करिए कि अगर हम नंबर लाइन बनाएं तो नंबर लाइन पे हमको पता है सबसे छोटा a है, फिर b है, फिर c है, फिर d, ये हमको दिखाई दे। आप जरा बेटा सोच के बताइए f of a क्या होगा, f of a फंक्शन की वैल्यू a पर कितनी होगी। f ऑफ a होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी। f ऑफ a विल बी लैम्डा टाइम्स a माइनस b इनटू a माइनस d। f ऑफ a विल बी लैम्डा टाइम्स a माइनस b इनटू a माइनस d। तो जरा सोच के देखिए, a जो है बेटा वो b से छोटा है और a जो है वो d से भी छोटा है, तो a माइनस बी तो नेगेटिव होगा, a माइनस डी भी नेगेटिव होगा, लेकिन दो नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो f of a जो आएगा बेटा वो लैम्डा टाइम्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। f of a will be equal to lambda times a positive quantity। अपन ऐसा करते हैं, अपन बेटा इसमें एक इसको बना लेते हैं केस वन, अपन इसको बना लेते हैं केस वन when lambda is positive। सबसे पहला अपन केस वन देख लेते हैं, जब लैम्डा पॉजिटिव होगा तब क्या होगा। तो अगर लैम्डा पॉजिटिव हो रहा होगा तो बेटा ये बात श्योर हो गई कि एफ ऑफ ए जो होगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव है और ये दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ ए आ गया पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, एफ ऑफ ए जो भी होगा कुछ पॉजिटिव होगा, कितना पॉजिटिव होगा वो नहीं पता, लेकिन जो भी होगा कुछ पॉजिटिव होगा, ये बात श्योर है। ऊपर होगा एफ ऑफ ए, ऊपर होगा इसके एक्सिस के ऊपर होगा। एफ ऑफ बी क्या होगा, एफ ऑफ बी विल बी बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस, ये देखो बी माइनस बी ये तो जीरो हो जाएगा, ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, तो प्लस जीरो। तो बी माइनस ए एक पॉजिटिव क्वांटिटी, बी माइनस ए एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन बी माइनस सी एक नेगेटिव क्वांटिटी। तो यार एफ ऑफ बी तो नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, एफ ऑफ बी तो नेगेटिव हो गया, ये बात श्योर है। एफ ऑफ बी नेगेटिव आ जाएगा। देखो एफ ऑफ ए कुछ पॉजिटिव होगा, कितना पॉजिटिव होगा नहीं पता, लेकिन f ऑफ b नेगेटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा नहीं पता। f ऑफ c क्या होगा, f ऑफ c तो f ऑफ c होगा बेटा c माइनस a इंटू c माइनस c, तो c माइनस a इंटू c माइनस c तो जीरो हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स c माइनस b इंटू c माइनस d, ये आएगा मेरे पास। c माइनस b एक पॉजिटिव क्वांटिटी, c माइनस d एक नेगेटिव क्वांटिटी, और लैम्डा को आपने पॉजिटिव माना, तो एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव, लेकिन ये पूरी चीज एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुई तो नेगेटिव आएगा, ये पूरा का पूरा नेगेटिव आएगा। एफ ऑफ सी एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, कितना नेगेटिव है अपने को नहीं पता, लेकिन होगा नेगेटिव, ये बात श्योर। और एफ ऑफ डी क्या होगा, एफ ऑफ डी
तो एफ ऑफ डी विल बी डी माइनस ए इंटू डी माइनस सी, डी माइनस ए इंटू डी माइनस सी, और डी माइनस डी तो जीरो होता है तो ये वाली पूरी चीज तो जीरो हो जाएगी प्लस जीरो। तो यार ये डी माइनस ए भी पॉजिटिव है, ये डी माइनस सी भी पॉजिटिव है, तो यार एफ ऑफ डी तो बेटा पूरा का पूरा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है, एफ ऑफ डी पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है, मतलब ये वापस ऊपर जा चुका। जरा लॉजिकली सोच के बेटा देखो, एफ ऑफ ए पॉजिटिव था, एफ ऑफ बी नेगेटिव था, एफ ऑफ ए पॉजिटिव था, एफ ऑफ बी नेगेटिव था, तो ये बात तो श्योर हो गई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से कि दोनों के बीच में एक रूट तो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी नेगेटिव। एंड सिमिलरली बेटा उसके बाद हमें एक बात और समझ में आती है कि यार एफ ऑफ सी नेगेटिव है लेकिन एफ ऑफ डी पॉजिटिव, तो अगर एफ ऑफ सी नेगेटिव है और एफ ऑफ डी पॉजिटिव है तो ये बात भी श्योर हो जाती है कि यार जरूर सी और डी के बीच में भी एक रूट लाया करता होगा, ये बात भी 100% श्योर। तो अगर मैं केस वन बोलूं एंड लैम्डा इज पॉजिटिव, अगर बेटा मैं केस वन बोलूं एंड लैम्डा इज पॉजिटिव, तो ये बात 100% श्योर हो जाती है कि जब लैम्डा पॉजिटिव होगा तो दो रूट आ रहे हैं, एक रूट आ रहा है ए और बी के बीच में, एक रूट आ रहा है सी और डी के बीच में। यही हमको प्रूव करना था कि इट हैज रियल रूट्स फॉर ऑल एक्स, आपको एक्स जो भी रखना हो आप रखिए, इसके रियल रूट्स आ रहे हैं इस केस में, तो इस केस में तो आ रहे हैं। अब बेटा अपन नेक्स्ट केस लेते हैं, ये वाला केस आप नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट केस इसके बाद लेते हैं। सेकेंड केस में हम ऐसा करते हैं, लैम्डा को नेगेटिव लेके देखते हैं क्या होता है। यहां पर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अगर हम बात करें बेटा केस टू की, केस टू में बेटा मैं आपको बोल रहा हूं आप लैम्डा को नेगेटिव मानिए, ठीक है। आप बेटा केस टू में लैम्डा को नेगेटिव मानिए, जैसे आप लैम्डा को नेगेटिव मानेंगे, अब एफ ऑफ ए जब आप निकालोगे, एफ ऑफ ए क्या होगा, ये a माइनस ए वाली चीज तो जीरो हो गई, तो लैम्डा टाइम्स a माइनस बी इंटू ए माइनस डी। अब लैम्डा टाइम्स a माइनस बी इंटू ए माइनस डी है, a माइनस बी नेगेटिव, a माइनस डी नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, लेकिन लैम्डा नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव चीज तो नेगेटिव होती है। तो इस केस में अब एफ ऑफ ए क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। कितना नेगेटिव होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन नेगेटिव होगा ये बात श्योर है, क्यों, क्योंकि लैम्डा नेगेटिव। एफ ऑफ बी में ये वाली पूरी चीज जीरो हो जाएगी, बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। जरा सोच के देखो, बी माइनस ए पॉजिटिव है, बी माइनस सी नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव चीज आ गई, तो एफ ऑफ बी भी नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है अपने को नहीं पता, लेकिन नेगेटिव है ये बात श्योर, एफ ऑफ बी भी नेगेटिव। इसके बाद एफ ऑफ सी बेटा अगर हम देखें, एफ ऑफ सी तो एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी बेटा अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ सी विल बी ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स सी माइनस बी इंटू सी माइनस डी, सी माइनस बी पॉजिटिव, सी माइनस डी नेगेटिव, और लैम्डा भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो पूरी चीज पॉजिटिव आ रही है। एफ ऑफ सी जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ सी अगर बेटा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये यहां पर ऐसा कुछ होगा, यहां पर कहीं पे आएगा पॉजिटिव अगर आएगा तो। और एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, डी माइनस ए इंटू डी माइनस सी, डी माइनस ए इंटू डी माइनस सी, तो डी माइनस ए इंटू डी माइनस सी कितना आएगा, डी माइनस ए पॉजिटिव, डी माइनस सी भी पॉजिटिव, एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव आ रहा है। कितना पॉजिटिव ये नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव तो आ रहा है। तो बेटा लॉजिकली सोच के देखिएगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखिएगा, आपके पास लैम्डा आपने नेगेटिव माना है, आपने बेटा लैम्डा नेगेटिव माना है, और आपको ये भी बात समझ में आ रही है, आपको ये वाली बेटा बात समझ में आ रही है कि लैम्डा जब आपने नेगेटिव माना है, यार इसके अगर रियल रूट्स की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा कर्व देख लो, आप ध्यान से देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व बेटा अगर आपका नीचे साइड से ये चालू होता हुआ दिख रहा है, इस केस में अगर ये इस तरीके से नीचे साइड से चालू होता हुआ दिख रहा है, तो यार ये घूम के जाएगा ही ना, मतलब इसका आखिरी जो रूट होगा वो डी से बड़ा आएगा, कहीं ना कहीं तो ये घूम के जाएगा ही ना। सोच के आप देखो, लॉजिकली सोच के देखो, ए जो है था उसमें नेगेटिव आ रहा है, बी में नेगेटिव आ रहा है, सी में पॉजिटिव आ रहा है, डी में पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ये ग्राफ उठता ही जाएगा, क्वाड्रेटिक है, जिस तरफ से चालू होता है उसी तरफ एंड भी करता है, तो यार ये कहीं ना कहीं तो घूमेगा, और जहां पर भी घूमेगा वहां पर ये घूम के फिर आपको एक पैराबोला वाला ट्रेजेक्ट्री तो देगा। तो ये बात देखो सेकंड वाले केस में भी श्योर हो गई,
कि व्हेन लैम्डा इज नेगेटिव तब भी बेटा देखो रूट्स तो होंगे, भले चौथा रूट डी के बाद होगा, कहां पर होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन ये बात तो श्योर है कि अगर एक रियल रूट आ गया बी और सी के बीच में, अगर बेटा बी और सी के बीच में एक रियल रूट आ गया तो यार ये क्वाड्रेटिक है, तो ये तो घूमना ही तय है, पैराबोला है, घूमेगा ही घूमेगा, और अगर ये घूमेगा तो बेटा आपको दूसरा रूट भी देगा, है ना, ये बात हमारी श्योर है। तो हमने केस वन में भी देख लिया, केस टू में भी देख लिया कि रूट्स तो आ रहे। एक लास्ट बेटा केस अपने पास और बचा है जो बहुत आसान से है ना, एक आखिरी अपने पास केस और बचा है जो बहुत इजी सा है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। आपने देख लिया जब लैम्डा पॉजिटिव था तब आपको दो रियल रूट्स आ रहे, जब लैम्डा नेगेटिव था तब आपको दो रियल रूट्स आ रहे। थर्ड केस है बेटा इफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, अगर लैम्डा जीरो हो गया तो क्या होगा, तो अगर बेटा लैम्डा जीरो हो गया तो एफ एक्स आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, तो यार इधर तो ऑटोमेटिकली दोनों रूट कहां पे मिल रहे, ए और सी पे मिल, यहां पर तो ए और सी पे बेटा दोनों रूट आपको मिल रहे, यहां बीच में कहीं बी होगा, यहां पे कहीं पे डी होगा, देखो एफ ऑफ ए पे भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है, एफ ऑफ ए भी आपको जीरो मिल रहा है, एफ ऑफ सी भी आपको जीरो मिल रहा है, क्लियर सी बात है। और एफ ऑफ बी क्या होगा, एफ ऑफ बी होगा बेटा बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, देख लो एफ ऑफ बी विल बी बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, ये वाले टर्म तो गायब हो चुका है क्योंकि लैम्डा है ही नहीं, लैम्डा जीरो, तो b माइनस ए एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, b माइनस सी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो देख लो f ऑफ b नेगेटिव है। f ऑफ d क्या होगा, f ऑफ d देखो f ऑफ d विल बी d माइनस ए इंटू d माइनस सी, d माइनस ए भी पॉजिटिव है, d माइनस सी भी पॉजिटिव है, ओवरऑल पूरा पॉजिटिव आएगा, देख लो। तो इसमें बेटा तीनों ही केस में, जब लैम्डा पॉजिटिव है तब, जब लैम्डा नेगेटिव है तब, और जब लैम्डा की वैल्यू जीरो है तब, तीनों ही केस में आप देख रहे हैं बेटा कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रियल रूट्स तो आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ बेटा ये वाला अपना सवाल खत्म होता है। अब हम कुछ मिसेलेनियस बेटा क्वेश्चंस देखते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स पर ही बेस्ड कुछ मिसेलेनियस क्वेश्चंस हैं, मिक्स तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें मेहनत लगती है, मतलब ये ऐसे सवाल हैं जो पर्टिकुलरली किसी भी टाइप में नहीं आते, इसमें मल्टीपल टाइप्स हैं, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे देखेंगे, बहुत सारे केसेस बनते हैं बेटा, बहुत मेहनत वाले सवाल होते हैं, मजा आएगा, ठीक है ना, मजा आएगा बेटा, गारंटी है, एकदम गारंटेड बात है। चलिए हमारे पास पहला बेटा सवाल लिखा हुआ है, मिसेलेनियस है ना, ये सारे मिसेलेनियस क्वेश्चन, आप चाहे तो हेडिंग डाल लीजिए मिसेलेनियस, ठीक है। पहला बेटा सवाल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सच दैट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए माइनस वन इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, प्लस ए प्लस फाइव इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट, हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट, हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट। आपको बेटा बोला जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन का कम से कम एक पॉजिटिव रियल रूट हो, ये आपके पास सवाल है। थोड़ा सोच के देखिएगा, ये एक बेटा क्वाड्रेटिक लिखा है, इस क्वाड्रेटिक में आपको देखो दिखाई दे रहा है कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ट्वाइस ऑफ ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए प्लस फाइव, आपको दिखाई दे रहा है लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये 100% बेटा माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला तो बनेगा। मुझे बोल रहा है इट हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट, अभी इसके रूट इक्वल है कि डिस्टिंक्ट है इस पर आपको चर्चा नहीं की गई है। देखिए क्या क्या केस हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों ही रूट पॉजिटिव हो, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, देखो जो जो मैं ग्राफ बनाता जा रहा हूं बस ध्यान से सोचना कि ये पॉसिबल है या नहीं, हो सकता है दोनों ही रूट पॉजिटिव हो और दोनों रूट अलग अलग हो, हो सकता है दोनों ही रूट पॉजिटिव हो और दोनों रूट इक्वल, ये तो हो सकता है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट बोल रहा है, क्वाड्रेटिक के दो रूट होते, हो सकता है दोनों ही पॉजिटिव हो, पॉसिबल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, और क्या हो सकता है, और हमारे पास हो सकता है एक केस हमारे पास और आ सकता है इस तरीके का,
कि एक रूट पॉजिटिव हो एक रूट नेगेटिव हो, देख लो आपको तो एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट बोल रहे हैं ना, कम से कम एक होना चाहिए। हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, पॉसिबल है। और क्या हो सकता है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट। क्या ऐसा एक केस हो सकता है क्या जिसमें एक रूट जीरो हो जाए और एक रूट पॉजिटिव हो? क्या ये भी ऐसा हो सकता है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट? मेरे हिसाब से ये तीन चीजें हो सकती है ना। ग्राफ क्यों मैं आपको बेटा बनाना सिखा रहा हूं, इस बात को समझिए, ग्राफ बनाने का यूज क्या है। कई सारे बच्चों को लगता है कि यार ग्राफ बनाने का कोई यूज नहीं होता, हम फालतू में ग्राफ बनाते हैं, ऐसा नहीं बेटा। देखो कौन कौन से ग्राफ नहीं हो सकते, समझने की कोशिश करो, जो जो हो सकते हैं ये तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्विकली आपको यही बता देता हूँ कि कौन कौन से ग्राफ नहीं हो सकते। पहली बात तो कि क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है, कोई भी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला तो हो ही नहीं सकता। इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो क्या ऐसा कोई भी ग्राफ हो सकता है क्या कभी भी जिसका डी लेस देन जीरो हो? क्या ये कभी भी पॉसिबल है क्या? आपको यार एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट बोल रहे हैं, इसके तो रियल रूट्स ही नहीं है, ये ग्राफ गलत। गलत क्या क्या है और क्यों है ये भी पता होना चाहिए बेटा, तभी ये सवाल अच्छे से बनते हैं। ये गलत। और क्या गलत है? दोनों रूट नेगेटिव हो जाए, ये भी गलत है। दोनों ही रूट नेगेटिव हो जाए, ये गलत है। और क्या गलत है? एक रूट नेगेटिव हो जाए और एक रूट जीरो हो जाए, ये भी गलत है। आपको बोला जा रहा है एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट बेटा, जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो दोनों को बाइफरकेट करता है। तो यार ये सब गलत है, ये सारे ग्राफ गलत है। आपको पता होना चाहिए कि कोई ग्राफ गलत क्यों है ना। ये गलत है क्योंकि इसका कोई रूट ही नहीं है, इसमें रूट तो है लेकिन दोनों रूट नेगेटिव है, इसमें रूट है लेकिन एक रूट नेगेटिव है एक रूट जीरो। मुझे एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट चाहिए, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं या एटलीस्ट एक पॉजिटिव हो या इस तरीके का सिचुएशन, ठीक है। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा इस तरीके का हो सकता है क्या ऐसा, ये टच करता हुआ जा रहा हो इधर, इधर देख लो आपके पास दो रूट्स हैं, दोनों इक्वल हैं लेकिन दोनों नेगेटिव हैं। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कोई ग्राफ इस तरीके का, इस तरीके का कि ये दो रूट्स हैं दोनों रियल हैं लेकिन दोनों ही जीरो हैं? ये सब गलत है बेटा, ये सारे ग्राफ गलत है। कुछ भी नहीं बनाना है हमको, हमको कुछ भी नहीं बनाना है, हमको पता होना चाहिए हम क्या बना रहे हैं और उसको बनाने से फायदा क्या होगा, है ना। ये पांच ग्राफ बेटा गलत है, ऑल दीज आर रॉन्ग। आपको पॉजिटिव रूट बोल रहा है, देख लो ये मैंने एक केस बनाया पॉजिटिव रूट का, दोनों रूट अलग अलग है पॉजिटिव है, दोनों रूट सेम है पॉजिटिव है, एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव बोला चलेगा ये, और ये एक रूट जीरो है एक रूट पॉजिटिव ये भी चलेगा। ये तीन केस हमको समझ में आते हैं, और बेटा ये जो पांच मैंने बनाई ये गलत है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो गलत वाले ग्राफ हैं आप उसको भी बनाइए, गलत वाले ग्राफ को भी बेटा आप बनाइए, क्योंकि उससे आपको सीखने को मिलेगा कि हमको ऐसी गलतियां नहीं करनी, ठीक है ना। ये सीखने को हमको मिलता है कि हमको ऐसी वाली गलतियां नहीं करनी। चलिए अब इसके बाद बेटा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये मैं आपको फर्स्ट तरीके का ग्राफ बोलता हूं, ये आपका सेकंड टाइप का ग्राफ है, और ये बेटा आपका थर्ड टाइप का ग्राफ है। सबसे पहले पहले वाले में देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी। आपको दिखाई दे रहा है दोनों ही रूट पॉजिटिव हैं। सबसे पहली बात तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये टाइप वन का सवाल है, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर नंबर। देखो दोनों रूट जीरो से बड़े, पॉजिटिव है ना दोनों रूट्स, तो दोनों रूट जीरो से बड़े, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जीरो से बड़ा होगा, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर पॉजिटिव होगी। ये तीन बेटा चीजें आप श्योर शॉट बोल सकते कि d ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जीरो से बड़ा होगा और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर पॉजिटिव होगी। ये तीन चीजें आप इसमें बोल सकते हैं। इसमें आप क्या बोल सकते हैं, देखिए ये भी बेटा एक टाइप का क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से टाइप टू में था। इसमें d ग्रेटर देन जीरो है और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर नेगेटिव है। फंक्शन की वैल्यू जीरो पर नेगेटिव होते ही याद करो d ग्रेटर देन जीरो का कोई यूज नहीं होता। या इसको आप टाइप टू में ऐसे ही बोल सकते हैं, वन रूट लाइज ऑन दिस साइड ऑफ जीरो एंड वन रूट लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ जीरो, या बोथ रूट लाइज ऑन द आइदर साइड ऑफ जीरो, ये टाइप टू था। मिक्स क्वेश्चन है बेटा, देखो मिक्स क्वेश्चन, तो इसमें आपको सिर्फ f ऑफ जीरो लेस देन जीरो अगर आप करोगे तो काम चल जाएगा, और तीसरे वाले के लिए तो आपको f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करके रूट्स देखने पड़ेंगे कि क्या ये केस कभी पॉसिबल है भी या नहीं।
तो सबसे पहले बेटा अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आप जब करेंगे तो बी स्क्वायर मतलब 4 इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 4 का फैक्टर तो काट लो, एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस 1 माइनस ए माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 2 ए माइनस ए माइनस 3 ए और 1 और माइनस 5 इज माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ए माइनस 4 इंटू ए प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस ए माइनस 3 ए और माइनस 4 बिल्कुल ठीक। नंबर लाइन पे बेटा प्लॉट करेंगे माइनस 1 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपके पास आ जाएगा ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी, देखो इक्वालिटी भी लगी से माइनस 1 क्लोज्ड यूनियन 4 क्लोज्ड से इंफिनिटी, ये बात हमको आती हुई दिखती है इतने में। ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने में। इसके बाद माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए मतलब कि माइनस 2 इंटू ए माइनस 1 माइनस बी बाई टू ए बाय टू ए 1 है यहाँ पे ठीक है, माइनस बी बाई टू ए दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि ये 2 से 2 गया तो a माइनस 1 या नेगेटिव साइन को एडजस्ट करूंगा, a माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए, a शुड बी लेस देन 1, मतलब यहां से आ गया a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, ये चीज आ गई। लास्ट वाला क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 पर पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो लास्ट वाला है फंक्शन की वैल्यू 0 पर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो अगर बेटा फंक्शन की वैल्यू 0 पर पॉजिटिव होनी चाहिए तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर आ कितनी रही है, 0 0 a प्लस 5 मतलब a प्लस 5 बेटा पॉजिटिव होना चाहिए, a शुड बी ग्रेटर देन माइनस 5 मतलब a बिलोंग्स टू माइनस 5 से इंफिनिटी। ये तीन चीज तो हमारे पास आ गई पहले वाले से, ये तीन चीज आ गई पहले वाले से ठीक है। तो ये बेटा एक केस है समझिएगा, देखिए इसमें कंफ्यूजन बच्चों को कहां होता है, कब इंटरसेक्शन लेना है आंसर्स का और कब यूनियन लेना है आंसर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि दो आंसर्स में इंटरसेक्शन कब लिया जाता है और दो आंसर्स को जोड़ के कब बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना आपको। बेटा एक बात समझनी चाहिए, ये केस इस केस से अलग है, ये केस इस केस से अलग है, ये बेसिकली बड़े बड़े केसेस हैं। तो जो ये बड़े बड़े केसेस होते हैं इनके आंसर्स जोड़े जाते हैं, और ये जो तीनों है ये तीनों चीजें इस केस के सब केस है। तो जब सब केस होते हैं अलग अलग, जब छोटे छोटे बेटा सब केसेस होते हैं अलग अलग, उनमें आंसर्स कॉमन लिए जाते हैं कि ओवरऑल इस पूरे केस का आंसर क्या निकल के आएगा, तो जो इन तीनों में कॉमन होगा वो निकल के इस केस से आंसर आएगा, ओवरऑल इस केस से जो आंसर आएगा और ओवरऑल इस केस से जो आंसर आएगा फिर उन तीनों को जोड़ा जाएगा। देखिए इस तरीके का ग्राफ हो सकता है इसके आंसर्स अलग होंगे, इस तरीके का ग्राफ हो सकता है इसके आंसर्स अलग होंगे, इस तरीके का ग्राफ हो सकता है इसके आंसर्स अलग होंगे, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इन तीनों में कुछ कॉमन आए भी आंसर, क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें आंसर्स हो सकती हैं। लेकिन एक केस के अंदर अगर बेटा मैंने तीन छोटे छोटे केसेस सॉल्व किए तो इन तीनों में मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा कि क्या है इन तीनों का कॉमन, ठीक है ना। ये बच्चों को अक्सर बेटा ये कंफ्यूजन होता है कि इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। यूनियन होता है बेटा जब आप दो अलग अलग केसेस के आंसर्स को जोड़ के लिखते हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन इंटरसेक्शन होता है जब एक ही केस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे केस बन रहे थे तो सब में कॉमन क्या है, जो सब में कॉमन होगा वो बेसिकली मेरे पूरे केस का आंसर होगा। तो देखिए ये पहले वाले केस में ये तीन चीजें कॉमन आई, ये अगर तीन चीजें कॉमन आई तो अगर बेटा मुझे इसका आंसर लिखना है, मैं यहां पर देखो नंबर लाइन बना के करता हूं, यहां पर मैं नंबर लाइन बना के करता हूं, मेरे पास इंटरसेक्शन जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो क्या है, माइनस 1 है, 1 है, 4 है, माइनस 5, देखो माइनस 1 4 1 और माइनस 5 प्लॉट करेंगे तो देखो माइनस 5 यहां पर आएगा, माइनस 1 आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा। पहला बोलता है माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 1 तक जाओ और उसके बाद 4 से लेकर इंफिनिटी तक जाओ, ये आपका पहला केस। दूसरा आपका बेटा छोटा सब केस बोलता है माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक।
तीसरा वाला बेटा आपका केस बोलता है माइनस फाइव से लेकर इंफिनिटी तक लो, माइनस फाइव से लेकर इंफिनिटी तक लो, तीनों में कॉमन के, तीनों में कॉमन के, ये वाला हिस्सा दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा कॉमन दिख रहा है क्या तीनों में, मतलब कि जो ये पहला केस था इसका जो मुझे आंसर दिखाई दे रहा है जो इन तीनों में कॉमन होगा, जो निकल के इस पूरे केस का आंसर आएगा, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो माइनस फाइव इसमें नहीं था, इसमें था, इसमें था, तो ए बिलोंग्स टू माइनस फाइव से लेकर वन, माइनस वन जो है माइनस वन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी माइनस वन, माइनस फाइव ओपन से माइनस वन क्लोज तक, ये बेटा हमारे पास केस वन का आंसर आ रहा है, बाकी आप देख सकते हैं तीनों में और कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये केस वन हो गया इतने। अब सेकेंड केस इस तरीके की प्रोफाइल भी हो सकती है, ये प्रोफाइल अलग है, ये प्रोफाइल अलग है, पहले वाली प्रोफाइल के अंदर तीन छोटे छोटे केस बने थे, मैंने तीनों का इंटरसेक्शन लिया और कॉमन आंसर निकाला माइनस फाइव ओपन से माइनस वन क्लोज। दूसरी वाली प्रोफाइल को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है डी ग्रेटर देन जीरो करने का कोई यूज नहीं है, मुझे सिर्फ एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो करना चाहिए, एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो बेटा अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आएगा एफ ऑफ जीरो में जीरो जीरो ए प्लस फाइव, ए प्लस फाइव शुड बी लेस देन जीरो, मतलब ए शुड बी लेस देन माइनस फाइव, मतलब ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव, ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव, ये आ जाता है आपके पास क्या, हमारी सेकेंड वाली प्रोफाइल का आंसर, ये फर्स्ट वाली प्रोफाइल का आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट प्रोफाइल, मैंने बॉक्स बना दिए, ये सेकेंड प्रोफाइल का आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड प्रोफाइल। अब थर्ड प्रोफाइल, ये कभी हो पाना पॉसिबल है भी या नहीं वो हमको समझना पड़ेगा, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, एफ ऑफ जीरो मतलब जीरो जीरो ए प्लस फाइव, ए प्लस फाइव की वैल्यू अगर जीरो मैं बोल रहा हूं तो ए की वैल्यू माइनस फाइव होनी चाहिए, ए की वैल्यू माइनस फाइव होनी चाहिए, और ए की वैल्यू अगर बेटा आप माइनस फाइव रखेंगे, ए की वैल्यू बेटा अगर आप माइनस फाइव रखेंगे तो जरा सोच के देखिए, ए की वैल्यू माइनस फाइव रखने पर आपका इक्वेशन क्या बन रहा है, तो ये जो एफ एक्स आपका इक्वेशन दिया है, ए की वैल्यू माइनस फाइव रखने पर एक्स स्क्वायर फिर माइनस फाइव माइनस वन माइनस सिक्स और टू माइनस ट्वेल्व एक्स और माइनस फाइव प्लस फाइव, ये तो जीरो हो गया, तो यहां से तो आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस ट्वेल्व, एक्स इंटू एक्स माइनस ट्वेल्व, ये आपके पास आ रहे हैं दो रूट, एक रूट आ रहा है जीरो और एक रूट आ रहा है ट्वेल्व, बिल्कुल हो सकता है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट बोल रहा है, बिल्कुल हो सकता है, मतलब ए की वैल्यू माइनस फाइव भी हो सकती है। देखिए पहले वाली प्रोफाइल से आपके पास आंसर आया माइनस इंफिनिटी से लेकर, सॉरी पहले वाले प्रोफाइल में आपके पास आंसर आया माइनस फाइव ओपन से लेकर माइनस वन क्लोज तक, दूसरी वाली प्रोफाइल से आंसर आया माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस फाइव तक, और तीसरी वाली प्रोफाइल से आंसर आया माइनस फाइव, माइनस फाइव क्यों आ सकता है, क्योंकि एक रूट जीरो आ रहा है, एक रूट ट्वेल्व आ रहा है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट बोल रहा था, पॉजिटिव रूट आ रहा है ट्वेल्व का, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल बेटा अगर मैं कॉमन आंसर बोलूं तो ओवरऑल कॉमन आंसर में आप समझिए आपको तीनों के आंसर्स जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये अलग अलग केसेस हैं, ध्यान से देखिए बेटा, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट में ये अलग अलग केसेस हैं, ऐसा भी हो सकता है जब एक रूट नेगेटिव हो एक रूट पॉजिटिव हो, ऐसा भी हो सकता है जब दोनों रूट पॉजिटिव हो, ऐसा भी हो सकता है जब एक रूट जीरो हो और एक रूट पॉजिटिव हो, तो ये सबके आंसर सब मुझे जोड़ने पड़ेंगे, तो मेरे पास फाइनली निकल के आंसर आएगा क्या, देखो ओवरऑल मेरे पास सबसे पहला आंसर आया माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव, एक आंसर ये आ रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव आ रहा है एक आंसर, फिर एक आंसर मेरे पास आ रहा है माइनस फाइव, तो इसमें मुझे माइनस फाइव को जोड़ना पड़ेगा, यूनियन मैंने किया माइनस फाइव, इसमें मैंने माइनस फाइव को जोड़ा, फिर यूनियन मैंने किया इसमें मुझे और क्या जोड़ना है माइनस फाइव से वन, माइनस फाइव से वन क्लोज तक, ठीक है ना, इन सब आंसर्स को बेसिकली मैं ऐड कर रहा हूं, तो जो फाइनल आंसर आएगा बेटा निकल के, फाइनल फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव तक, फिर यहां माइनस फाइव नहीं ले सकते थे, फिर माइनस फाइव ले लिए, फिर माइनस फाइव से वन तक, तो फाइनल आंसर विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू वन क्लोज, दिस इज योर फाइनल आंसर, माइनस इंफिनिटी ओपन से लेकर वन क्लोज तक, सबके आंसर्स को जोड़ दिया, ठीक है ना, तो एक केस के अंदर जब बहुत सारे सब केस बनते हैं बेटा तब आंसर्स का इंटरसेक्शन लिया जाता है, उनमें जो चीज कॉमन होती है वो लिखी जाती है, और जब बहुत सारे केसेस बन रहे होते हैं तो बहुत सारे अलग अलग केसेस को आंसर्स को जोड़ा जाता है, यूनियन लिया जाता है, ठीक है ना, यही डिफरेंस होता है यूनियन में और इंटरसेक्शन में, अक्सर बच्चों को बेटा इसमें डाउट्स रहते हैं इसलिए मैंने आपको अच्छे से ये चीज क्लियर कर दी, तो फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा फ्रॉम माइनस इंफिनिटी ओपन से लेकर वन क्लोज तक,
वन क्लोज्ड है या माइनस वन क्लोज्ड है? एक सेकेंड रुक जाओ बेटा, मैं टैली कर लेता हूँ। पहला वाला था माइनस फाइव से, देखो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, माइनस फाइव से माइनस वन तक था ना ये, यहाँ मैंने वन लिख दिया गलती से, इसको ठीक कर लेंगे बेटा, माइनस फाइव से लेकर माइनस वन क्लोज तक, ठीक है ना, माइनस फाइव से माइनस वन क्लोज तक है। तो यहाँ पे आप जब सबके आंसर को ऐड करेंगे तो माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस वन क्लोज तक यह आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी ओपन से लेकर माइनस वन क्लोज तक, ठीक है। अब ऐसी गलतियां हो जाती हैं यार, मुझसे ही हो गई तो तुमसे तो हो ही सकती है ना, पूरा सही सॉल्व किया लेकिन लिखने में लास्ट में गलती कर दी, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनमें एरर होने का बेटा चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस आप देख सकते हैं कितने सारे, कितनी सारी चीजें एक साथ चल रही है, और ये टिपिकल जेई मेंस एडवांस लेवल की चीज है ना, ये मतलब बेसिक सवाल नहीं है बेटा, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट एक साथ लग रहा है ना, दिस इज नॉट अ बेसिक क्वेश्चन। आप ये मत सोचें कि सर ये तो बेसिक सा सवाल है या ये तो जल्दी होना चाहिए था, ऐसा नहीं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, अच्छा सवाल, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा फ्रॉम माइनस इंफिनिटी ओपन से लेकर माइनस वन क्लोज तक। चलिए अगला सवाल करते हैं बेटा, उसके पहले मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूं, ठीक है बेटा। देखिए हमारे पास अगला सवाल बेटा लिखा हुआ है, फाइंड एम, फाइंड एम सच दैट, फाइंड एम सच दैट एम एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एम प्लस वन, एम एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एम प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो इज सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। आपको बेटा बोला जा रहा है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, कहीं पर भी इस बात की बात नहीं की गई है कि ये क्वाड्रेटिक है या कौन सा इक्वेशन है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये एक इक्वेशन है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, आपको इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। देखिए बेटा समझने की कोशिश करिए, अगर m जीरो हुआ, सबसे पहले तो आप ये देखो कि इफ m इज जीरो, अगर जिस केस में ये क्वाड्रेटिक हुआ ही नहीं, ठीक है ना, तो सबसे पहले वो वाला अपन केस देख लेते, तो अगर बेटा m जीरो होगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, माइनस फोर एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब आपके पास बेटा आ जाएगा कि यार माइनस फोर एक्स प्लस वन ये तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, माइनस फोर एक्स प्लस वन बेटा अगर आप प्लॉट करके देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, अब एक स्ट्रेट लाइन आएगा तो ये स्ट्रेट लाइन अगर आप प्लॉट करके देखोगे, है ना, आपने बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है, वाई इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कैसे करेंगे, इसका स्लोप माइनस फोर आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट इसका वन आ रहा है, इस तरीके का कुछ लाइन होगा, कुछ इस तरीके का ये लाइन होना चाहिए, आप अंदाजे से मैंने बनाए हैं, आप इसको प्लॉट करके देख सकते हैं, वो पॉइंट पॉइंट लेके करना, अंदाजे से आ जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा। अब आपको बेटा बोला जा रहा है कि यार ये जो एक्सप्रेशन था दिस शुड बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, जब आप एक्स को जीरो से बढ़ा लेंगे, जब आप एक्स को बेटा जीरो से बढ़ा लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्या ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है क्या यार, ये तो इतने यहां तक पॉजिटिव है लेकिन यहां पर तो ये नेगेटिव हो गया, ये सब में तो ये नेगेटिव वैल्यूज ले रहे, लेकिन आपको बोला जा रहा था कि अगर एक्स आप जीरो से बढ़ा लेंगे, अगर आप एक्स जीरो से बढ़ा लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका तो कोई आंसर नहीं आएगा यहां से, एम तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एम जीरो हुआ तो यार ये एक्सप्रेशन तो नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, मुझे क्या चाहिए थी, मुझे पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए थी, तो एक बात समझ में आ गई कि यार एम जीरो तो नहीं हो सकता, ये बात तो श्योर हो गई कि एम जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एम जीरो होगा तो ये नेगेटिव वैल्यूज लेगा, मुझे ये पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए थी, मुझे ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव चाहिए था फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए पॉजिटिव होना चाहिए था। चलो ये अपने पास जैसे बेटा क्लियर हो गया कि एम की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो अब ये बात श्योर हो गई अपने पास कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एम जीरो नहीं है तो नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप चाहते हैं बेटा जरा सोच के देखिए,
अब मैं बोलता हूं इफ m इज लेस देन 0, अगर m मान लो 0 से छोटा हो, तो अगर m 0 से छोटा होगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, मतलब कि ये माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा, इट विल बी अ माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। आपको बोला जा रहा है दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, मतलब अगर आप x पॉजिटिव लेंगे, अगर आप x पॉजिटिव लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या ये कभी भी ऐसा होता हुआ दिख रहा है क्या यार? ये तो आप जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, x तो यार ये नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे नंबर लाइन में, x आपका क्या ले रहा है? नेगेटिव वैल्यूज लेता जा रहा है। तो यार अगर आपका x ये नेगेटिव वैल्यूज लेता जाएगा तो आपको तो ये क्या चाहिए था, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए था, मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए था, मुझे दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, तो क्या m का वैल्यू कभी भी लेस देन 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, m लेस देन 0 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब एक बात बेटा श्योर हो गई कि m को क्या होना पड़ेगा, ये बात अब फाइनली श्योर हो गई कि अगर आप इस इक्वेशन को प्रूव करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो m पॉजिटिव होना चाहिए। अगर m पॉजिटिव होगा मतलब कि ये एक माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा, ये बात श्योर है, ठीक है ना? अगर m पॉजिटिव होगा तो ये एक माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं बेटा कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, x जब भी 0 से बड़ा होगा ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं। जैसी हमने पहली बात ये प्रूव कर ली कि m पॉजिटिव होना चाहिए, क्या ऐसा ग्राफ कभी भी पॉसिबल है क्या? सोच के देखो, इस तरीके का ग्राफ, ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? देखो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है, बिल्कुल है, और जैसे जैसे आप 0 से बड़े वैल्यूज लोगे, आप x को अगर 0 से बड़ा लोगे तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरीके का ग्राफ हो सकता है। और कैसा इसका ग्राफ हो सकता है? क्या इसका ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या कभी, इस तरीके का? क्या ऐसा वाला ग्राफ होना पॉसिबल है क्या? इसको रेदर मैं थोड़ा सा और ठीक से बना देता हूं, इस ग्राफ को ऐसा ऐसा बना देते हैं। क्या ऐसा इसका ग्राफ कभी भी हो सकता है क्या? ऐसा ग्राफ तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आप एक्स पॉजिटिव लोगे, जब आप एक्स पॉजिटिव लोगे बेटा, तो आपको देखो ये ग्राफ नेगेटिव वैल्यूज लेता हुआ दिख रहा है, ये ग्राफ आपको नेगेटिव वैल्यूज लेता हुआ दिख रहा है। आपको क्या बोला गया है कि अगर आप x पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं तो ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखो आपको ग्राफ नेगेटिव मिल रहा, मतलब ये ग्राफ तो नहीं हो सकता। मैं जैसा आपको पहले ही बोला, आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्राफ हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। क्या ऐसा कभी भी ग्राफ हो सकता है क्या इस तरीके का कि एक रूट जीरो हो जाए और इस तरीके से ग्राफ हो? तो यहां भी आप देख सकते हैं, देखो जब आप x पॉजिटिव लोगे तो ग्राफ नेगेटिव वैल्यूज ले रहा, ये भी गलत हो गया। क्या ऐसा कभी ग्राफ हो सकता है क्या कि इस तरीके का हो? यहां पर भी आप देख लो, जब x बेटा आपका पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है तब ग्राफ आपका नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है। ये सब गलत ग्राफ, ये सब गलत ग्राफ। और कैसा हो सकता है, क्या इस तरीके का हो सकता है क्या बेटा कभी भी ग्राफ हमारे पास, कि एक रूट जीरो हो जाए, दूसरा रूट नेगेटिव रहे और इस तरीके का ग्राफ बन जाए? तो ये बात हो सकती है एक बार के लिए कि जैसे जैसे आप x पॉजिटिव लोगे आपको y भी पॉजिटिव मिलेगा, जैसे जैसे आप x पॉजिटिव लोगे आपको y भी पॉजिटिव मिलेगा, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? एक ये हो गया जो क्लियर हो सकता है, एक ये हो गया जो क्लियर हो सकता है। और कोई आता है क्या समझ में? सोच के देखो, अगर इस तरीके का कोई ग्राफ हुआ तो जिसका d लेस देन 0, कोई भी ऐसा ग्राफ बेटा जिसका d लेस देन 0, ये ग्राफ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है ये वाला ग्राफ? क्योंकि आप देख सकते हैं बेटा, जब x आप पॉजिटिव लोगे तो आपको y भी क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। ये पूरा एक्सप्रेशन आपको देखो पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है? तो ये तीन तरीके के ग्राफ अपने को बेटा समझ में आते हैं जो पॉसिबल है ना। d लेस देन 0 का ग्राफ आपके लिए हो सकता है, और d लेस देन 0 के अलावा जो मैंने बेटा आपके लिए दो ग्राफ और बनाए, ये भी पॉसिबल है ना, ये भी आपके लिए पॉसिबल है कि इस तरीके का भी ग्राफ हो सकता है। देख लो आप कि आपके यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। तो एक बार बेटा इसको अपन ठीक से बना लेते हैं, जो जो पॉसिबल केसेस हैं, जो जो केसेस गलत हैं उसको तो आप बेटा सेफली मिटा दो, और जो जो केसेस हो सकते हैं उसको एक बार अपन ठीक से थोड़ा सा बना लेते हैं। ये मैंने पहला केस बनाया, फिर
ये आएगा बेटा आपने पास दूसरा केस इस तरीके से, दिस इज द सेकेंड केस, और थर्ड केस आएगा बेटा इस तरीके से जिसका डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन जीरो। ये तीन केस हमारे पास बनेंगे, ठीक है। अब इसे बेटा अगर हम सॉल्व करें तो आपको देखो दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में आपको क्या दिख रहा है कि d, अच्छा इसका d इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, d ग्रेटर देन जीरो मैंने बोला है, इसका d इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, कोई इशू की बात नहीं। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर पॉजिटिव हो गई, और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जीरो से छोटा हो गया, ये पॉसिबल। ये वाले केस में क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर जीरो हो गई, तो हमको इसमें तो वैल्यूज ही निकालेंगे, देखना पड़ेगा कि ऐसा ग्राफ हो भी सकता है या नहीं। और ये वाला ग्राफ हो गया व्हेन डी इज लेस देन जीरो, इकलौता एक ही केस है जब डी जीरो से छोटा, और तो इसमें कोई वर्टेक्स वर्टेक्स की बात होगी। सबसे पहले अगर बेटा हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को आप बेटा जब सॉल्व करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 ए और सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 4 का बेटा अगर मैं फैक्टर कट करूं तो मेरे पास आएगा 4 माइनस 3 एम स्क्वायर और माइनस एम, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रीअरेंज करेंगे तो 3 एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 4, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। 3 और इसको बेटा आप फैक्टराइज कर सकते हैं, देखो 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3m माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो बेटा m कॉमन 3m प्लस 4 माइनस 1 कॉमन 3m प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो बेटा चीज आ जा रही है वो यहां से हमारे पास आ जा रहा है m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3m प्लस 4, this should be less than equal to 0। number line पे बेटा बनाएंगे minus 4 by 3, 1, positive, negative, positive, less than equal to 0 के लिए बात हो रही है, तो m belongs to close bracket minus 4 by 3 से 1 close तक, यहां से ये आंसर हमारे पास आता। या अभी फाइनली इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन लेंगे तो कई सारी चीजें और ठीक होंगी। अगला हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 पर पॉजिटिव होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या आएगी, 0 पर 0, 0, 3m plus 1, 3m plus 1 positive होना चाहिए, मतलब m should be greater than minus 1 by 3, मतलब m belongs to आएगा minus 1 by 3 से infinity, ये बात आती है, ठीक है। फिर vertex का x coordinate 0 से छोटा होना चाहिए, vertex का x coordinate क्या है, vertex का x coordinate है minus b by 2 है। अच्छा देखो यहां पे बहुत important चीज है बेटा, vertex का x coordinate मतलब minus b, तो minus of minus 4 माइनस बी बाय टू एम, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, माइनस बी बाय टू है, माइनस बी बाय टू है जीरो से छोटा होना चाहिए, माइनस बी बाय टू है जीरो से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब देखो माइनस माइनस तो गया 4 बाय टू, तो 2 बाय एम जीरो से छोटा होना चाहिए, तो यहां से आ जाएगा एम जीरो से छोटा होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है क्या कभी भी, आपने तो यार ओरिजिनली ही क्या माना है, आपने ओरिजिनली माना है कि एम पॉजिटिव है, सोच के देखो आपने बेटा ओरिजिनली m को पॉजिटिव माना, अगर आपने ओरिजिनली m को पॉजिटिव माना है और यहां पर आपके पास आ रहा है क्या m नेगेटिव होना चाहिए, आप जरा सोच के देखो, अगर आपने ओरिजिनली m को पॉजिटिव माना है तो इसका वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखो माइनस बी बाय टू ए विल बी माइनस बी मतलब 4 बाय 2m, यह आएगा आपके पास वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, माइनस बी बाय 2m मतलब 4 बाय 2m आएगा, और क्योंकि बेटा आपने m पॉजिटिव माना हुआ है, अगर m पॉजिटिव है तो ये पूरी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर आपने m पॉजिटिव माना है तो ये पूरी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। अब अगर बेटा ये पूरी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए तो सोचो कि यार वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव आ रहा है, अगर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो यहां पर आपका वर्टेक्स किधर है, पीछे है, यार ये तो केस ही गलत हो गया, ये तो केस ही रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव आ रहा है, मैंने तो ग्राफ ही बनाया है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव के लिए, तो ये तो केस गलत हो गया, वर्टेक्स का देखो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला भी केस गलत हो गया, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, आप तो नेगेटिव के लिए बना रहे, और यहां पर देखो यहां पर बेटा आपको वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिल रहा है, यहां पर आपको वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिल रहा है,
डी लेस देन जीरो के लिए आपको सॉल्व करना है, मतलब इकलौता थर्ड केस ही है जिससे आंसर आया। पहला केस और दूसरा केस तो रिजेक्ट हो गया वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट में। चीजें बेटा सीखने की कोशिश करो कि देखो आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे ना आपको ऑटोमेटिकली हिंट्स मिलते जाएंगे कि किस तरफ आपको सवाल लेकर जा रहे। आप जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको देखो दिख गया कि यार m पॉजिटिव माना था, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ही पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ तो इस साइड होना चाहिए। तो इस साइड के लिए तो ग्राफ इकलौता भी ही वाला बचा, मतलब मेरा आंसर जो भी आएगा वो किससे आएगा, इससे आएगा। d लेस देन 0 अगर बेटा मैं करूंगा तो d लेस देन 0, देखो d के लिए बेटा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमने ये आंसर निकाला था। दोबारा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपने ये आंसर निकाला था, ये नंबर लाइन बनाई थी, यही तो सॉल्व किया था ना, तो दोबारा सॉल्व करने में बदल थोड़ा जाएगा। तो d लेस देन 0 करोगे तो इसी नंबर लाइन के लिए d लेस देन 0 में बताओ क्या आएगा आपके पास आंसर। अगर इसका आंसर ये -4/3 से 1 आया था तो अब जो आंसर आएगा दैट विल बी फ्रॉम -∞ से -4/3 यूनियन 1 से ∞, ये आएगा आपके पास आंसर d लेस देन 0 के लिए। और आपने ओरिजिनली m को क्या माना हुआ है, पॉजिटिव माना हुआ है, आपके पास आ रहा है m बिलोंग्स टू ये बट m is पॉजिटिव, तो अगर बेटा m पॉजिटिव है तो ये वाला फैक्टर तो रिजेक्ट हो जाएगा। m पॉजिटिव है मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, फाइनल आंसर विल बी फ्रॉम 1 to ∞, फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 1 से लेकर ∞ तक। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए आप भी, अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही अपन ने निकाला है और सही सॉल्व भी हुआ बेटा, आंसर भी यही दिया हुआ है। ठीक है ना, फाइनल आंसर बेटा यही दिया हुआ है, m बिलोंग्स टू 1 से ∞, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए बेटा, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि यार हमसे कोई एरर हो रहा है तो आप इस बात पर भरोसा रखिए कि सॉल्व करते करते ही आपको इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा कि अगर कुछ भी एरर हो रहा होगा तो वो आंसर सेट हो जाएंगे वैसे। ठीक है, आई होप आपको यार ये वाली चीज अच्छे से बेटा समझ में आई होगी। मैं जल्दी से बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और अगर आपको मजा आ रहा है यार लेक्चर में, फायदा हो रहा है, तो मुझे कमेंट से बताना कि तुमको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इन लेक्चर से। ठीक है, ठीक है बेटा, देखिए अगला सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमको दिया है कि fx इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 5a प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1/4, ये हमको दिया हुआ fx। ठीक है, इफ fx लेस देन 0 इज सेटिस्फाइड, इफ fx लेस देन 0 इज सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट 1 रियल x, इज सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट 1 रियल x, इज सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट 1 रियल x, फाइंड a। ये सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। क्लियरली मैं ये बात देख सकता हूं कि x स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है, a स्क्वायर प्लस 3 एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर x स्क्वायर का बेटा कोफिशियंट पॉजिटिव है, इसका मतलब दिस इज अ माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। मुझे बोला जा रहा है कि एक माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला जो है इट इज नेगेटिव, इज सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट 1 रियल x, कम से कम किसी एक रियल x के, कम से कम किसी एक रियल x के लिए यार ये नेगेटिव है। अब जरा सोच के देखो बेटा, मैंने आपको बार बार ये चीज बताई है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला अगर नेगेटिव हो रहा है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला अगर नेगेटिव हो रहा है मतलब 100% उसका d ग्रेटर देन 0 होगा। d इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, d लेस देन 0 भी नहीं हो सकता, d इक्वल टू 0 d लेस देन 0 दोनों गलत है, d ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है, इट इज सेटिस्फाइड है ना, दिस fx इज लेस देन 0, ये नेगेटिव हो रहा है, ये आपका कर्व नेगेटिव हो रहा है, देखो नीचे उतरा ना, x एक्सिस के नीचे उतरा मतलब नेगेटिव हो रहा है। इज सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट 1 रियल x, कम से कम एक रियल x के लिए ये सेटिस्फाइड है। एक के लिए तो क्या बहुत सारों के लिए होगा अगर नीचे उतरेगा तो, फाइंड a।
तो बेटा देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आती है कि इसमें आपको डी ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा। बाकी तो यार ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो आपको देखो फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, वर्टेक्स आप नहीं बोल सकते कहां पर लाई करेगा, लेकिन एक बात आप बोल सकते हैं कि यार अच्छा वर्टेक्स भी आप वैसे बोल सकते हैं। देखो इसका वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी बाय टू, माइनस बी बाय टू है, आप जब निकालोगे तो ये होगा माइनस रूट ओवर फाइव ए प्लस थ्री माइनस बी बाय टू इंटू ए स्क्वायर प्लस थ्री, ये आपके पास आएगा वर्टेक्स। अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी, पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है, उसके आगे माइनस साइन। यार वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, ये बात तो श्योर है। और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर कितनी आ रही है, देखो ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, जीरो रखोगे जीरो जीरो माइनस वन बाय फोर, मतलब इसका ग्राफ पता है कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा बेटा, ये जो ग्राफ मैंने बनाया ना इसमें आप ऐसा कर लो इसको ऐसा, ये आपका वाई एक्सिस है ये वाला। तो देखो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर नेगेटिव है माइनस वन बाय फोर, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर माइनस वन बाय फोर, इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा और इसका डी ग्रेटर देन जीरो है, इसका डी ग्रेटर देन जीरो, ये बात आपको समझ में आ रही है। फंक्शन की वैल्यू जीरो पर नेगेटिव है ही है, डी ग्रेटर देन जीरो आपको इसमें बस करना है, वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ही, दिख रहा है। डी ग्रेटर देन जीरो अगर करोगे तो बी स्क्वायर मतलब फाइव ए प्लस थ्री बी स्क्वायर माइनस फोर ए मतलब ए स्क्वायर प्लस थ्री इंटू सी मतलब माइनस वन बाय फोर, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। भाई अगर आप चाहते हैं कि ये कम से कम एक रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए नेगेटिव हो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे उतरे मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए ये माइनस कटेगा तो यहां प्लस आ जाएगा और ये फोर से फोर कटेगा तो आपके पास ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस फाइव ए और थ्री प्लस सिक्स, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ये आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस सिक्स, इसको आप फैक्टराइज करके बेटा लिख सकते हैं ए प्लस टू इंटू ए प्लस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो, देख लो ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस थ्री ए प्लस फाइव ए प्लस सिक्स, बिल्कुल सही है। नंबर लाइन बेटा आप बनाएंगे माइनस थ्री माइनस टू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन माइनस टू से इंफिनिटी, ये बात तो क्लियर, ये बात तो समझ में आ गई। अक्सर बच्चे इतना करके छोड़ देते हैं और इसमें गलतियां हो जाती हैं, है ना, अक्सर इतना करके बेटा बच्चे छोड़ देते हैं और इसमें गलती हो जाती है। आपको ये चीज भी देखनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये ओरिजिनल सवाल डिफाइंड हो तो ये ओरिजिनल सवाल डिफाइंड कब होगा, दिस क्वेश्चन विल बी डिफाइंड व्हेन 5a प्लस 3 आल्सो करके लिख देता हूं, आल्सो 5a प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5a प्लस 3 गलती से ही बेटा 0 से छोटा हो गया तो बेकार हो जाएगा सवाल, ये सवाल सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। आप अगर रियल वैल्यूज ऑफ a निकालना चाहते हैं तो यार ये अंडर रूट डिफाइंड होना चाहिए ना, मतलब अंडर रूट के अंदर 0 या पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, तो यहां से आ जाएगा बेटा a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3 बाय 5, a जो होना चाहिए वो माइनस 3 बाय 5 या उससे बड़ा होना चाहिए, तो माइनस 3 बाय 5 या उससे बड़ा होना चाहिए और ये बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 माइनस 2 से इंफिनिटी। जरा नंबर लाइन बेटा बनाओ, नंबर लाइन बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखो, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 3 बाय 5 क्या होता है माइनस 0.6, माइनस 3 बाय 5 होता है माइनस 0.6, मतलब यहां आएगा माइनस 3 बाय 5। पहला वाला बोलता है माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री तक जाओ फिर माइनस टू से इंफिनिटी जाओ, दूसरा वाला बोलता है माइनस थ्री बाय फाइव या उससे बड़ा लो, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटा, फाइनल आंसर विल बी ए बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस थ्री बाय फाइव से इंफिनिटी, ए बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस थ्री बाय फाइव से इंफिनिटी, ये बेटा आपके पास फाइनल आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। अक्सर बच्चे इतना लिख के छोड़ देते हैं बेटा, ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका सवाल डिफाइंड ही तब होगा जब 5a प्लस 3 जो हो वो 0 या उससे बड़ा, ठीक है ना, तो a बेटा माइनस 3 बाय 5 या उससे बड़ा होना चाहिए, फाइनल आंसर विल बी a बिलोंग्स टू माइनस 3 बाय 5 क्लोज्ड माइनस 3 बाय 5 क्लोज से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, तो ये बेटा आपके पास फाइनल आंसर आएगा। चलिए बोर्ड अपन क्लियर करते हैं बेटा, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, चलिए अगला सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास लिखा हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, प्रूव दैट, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस फाइव इज लेस देन जीरो. ये एफ एक्स जो है दिस इज लेस देन जीरो इज ट्रू फॉर, दिस इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स, एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स, कम से कम एक नेगेटिव एक्स के लिए हो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर. ये आपके पास बेटा सवाल है. ठीक है, एक मिनट आप इसको सोचिए, तब तक हम मार्कर अपना बेटा रिफिल कर लेते हैं. एक मिनट इसको सोचिए ध्यान से कि आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए. ठीक है, जिसको भी बेटा क्लिक करे वो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए सवाल को. एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस फाइव लेस देन जीरो इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर. सबसे पहली बात बेटा आपको जो इसमें समझ में आनी चाहिए, पहली बात जो आपको बेटा समझ में आनी चाहिए वो ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है, मतलब कि एक माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला तो है. और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू बेटा जीरो पर देखो क्या है, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर माइनस फाइव, जीरो रखोगे तो जीरो जीरो माइनस फाइव, मतलब फंक्शन की वैल्यू जीरो पर नेगेटिव है. माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर नेगेटिव है, बोल रहा है कि दिस कंप्लीट फंक्शन, ये पूरा फंक्शन नेगेटिव होना चाहिए, इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स, कम से कम किसी एक नेगेटिव एक्स की वैल्यू के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए. देखो इसमें ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या ऐसा इसका ग्राफ हो सकता है क्या, इस तरीके का इसका ग्राफ हो सकता है क्या? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट किधर होगा अभी बोल पाना मुश्किल है ना, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कहां होगा अभी बोल पाना मुश्किल है. लेकिन हाँ, फंक्शन की वैल्यू देख लो जीरो पर माइनस फाइव आ रही है, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर माइनस फाइव आ रही है, ऐसा ग्राफ हो तो सकता है. और आप देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है इट इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स, किसी एक नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, किसी एक नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये पूरा फंक्शन नेगेटिव होना चाहिए. तो आपको दिख रहा है कि देखो ये पूरा फंक्शन इतने हिस्से में नेगेटिव, यहां पे सब में एक्स भी नेगेटिव है और ये फंक्शन भी नेगेटिव है, इस तरीके का आपको ग्राफ दिख रहा है. क्या ऐसा कभी ग्राफ इसका हो सकता है क्या, सोच के देखिए, क्या ऐसा इसका ग्राफ हो सकता है क्या? तो ये ग्राफ गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू बेटा जीरो पर, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर आपको यहां पर पॉजिटिव दिख रही है, आपको फंक्शन की वैल्यू जीरो पर नेगेटिव चाहिए, मतलब माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला भी होना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर नेगेटिव भी होनी चाहिए. ये बात एकदम श्योर, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला भी होना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर नेगेटिव भी होनी चाहिए. तो अगर बेटा फंक्शन की वैल्यू जीरो पर नेगेटिव है, इसका मतलब 100% इकलौता यही बेटा केस, यही इकलौता इसका केस है, और तो इसमें कोई पॉसिबल केस है ही नहीं. मतलब आपको जो भी ग्राफ बना के देखना हो देख लो. कोई बच्चा हो सकता है मेरे को बोले कि सर ऐसा ग्राफ बना लो ऐसा, तो बात तो एक ही है, मोर और लेस बात तो एक ही है. देख लो फंक्शन की वैल्यू जीरो पर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, ये सब वैल्यूज के लिए नेगेटिव मिल रहा है, इधर भी नेगेटिव मिल रहा है, मोर और लेस बात वही है. बस अब वर्टेक्स तुम इधर रखो या उधर रखो उससे नहीं फर्क पड़ रहा, वर्टेक्स इधर उधर रखने से नहीं फर्क पड़ रहा बेटा, तुमको इंश्योर क्या करना है कि नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये नेगेटिव हो. तो आपको दिख रहा है ये नेगेटिव होता हुआ, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला भी है, ये नेगेटिव भी हो रहा है और फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स भी हो रहा है. ठीक है, तो मोर और लेस बेटा ग्राफ तो इसका इकलौता यही, और इसमें कोई भी ग्राफ बन पाना मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है. आपको जो भी और कॉम्बिनेशन बना के देखना आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही एक केस है. अब फंक्शन की वैल्यू जीरो पर नेगेटिव ऑलरेडी आपको दिखाई दे रही है, तो उसमें तो कुछ है नहीं सॉल्व करने का. और इसमें क्या दिख रहा है, डी इसका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये बात समझ में आती है कि इसका डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. और इसका वर्टेक्स किधर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वर्टेक्स राइट साइड में हो कि लेफ्ट साइड में हो कि वाई एक्सिस के ऊपर हो, इट डज नॉट मैटर, है ना, इट डज नॉट मैटर. तो हमारे पास बेटा जैसे ही आप डी ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करेंगे तो डी क्या आएगा, डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, सी इज माइनस फाइव, दिस शुड बी पॉजिटिव.
तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर माइनस फोर माइनस फाइव, तो प्लस 20 इंटू ए स्क्वायर प्लस थ्री, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो 20 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 21 ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4a हो जाएगा, और उसके बाद 20 इंटू थ्री 60 और 60 और 4 64, दिस इज ग्रेटर देन 0 हमारे पास आ रहा है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 हमारे पास। बेटा ये चीज आ रही है, जरा सोच के देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। बहुत भारी वर्क हम सा क्वाड्रेटिक लिखा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो बेटा, इसका डी, इस क्वाड्रेटिक का डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यार इसका डी तो लेस देन 0 है, ये वाले क्वाड्रेटिक का डी क्या आएगा, ये वाले क्वाड्रेटिक का बेटा डी आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो देखो लो नेगेटिव आ रहा है, तो अगर यार इस वाले क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ रहा है मतलब ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ये जो क्वाड्रेटिक आपने लिखी है ये वाली बेटा क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि इसका डी लेस देन 0 आ रहा है। ओवरऑल आप इसको सॉल्व कर रहे थे, इसका आपने डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 किया सॉल्व करने के लिए, इसका आप डी ग्रेटर देन 0 किए, तो आप ये रिलेशन पे पहुंचे, और इस रिलेशन में पहुंचने के बाद, इस रिलेशन में पहुंचने के बाद बेटा आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आया ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, या आप इसका बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक, आपको जो रखना है आप वो रखिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, आपको बेटा जो भी रखना हो आप वो रख के देख सकते हैं, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू, है ना, आप जब इसको सॉल्व करेंगे दिस इज ऑलवेज ट्रू, ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स हमारे पास आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, एक दो सवाल और बनाते हैं, फिर आज का बेटा अपन अपना लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है ना, एक दो बस सवाल और बना लें फिर आज का लेक्चर अपना एंड करेंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस की ही बेटा प्रैक्टिस बची है, और वो तो हमेशा ही बेटा चलती रहेगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होगी आपकी। देखिए सवाल हमारे पास लिखा है बेटा अगला, फाइंड ऑल द वैल्यूज, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर डी, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर डी फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, for which both roots of the equation x square minus 6 dx plus 2 minus 2d plus 9d square equal to 0 exceed the number 3। ये हमारे पास बेटा सवाल है, ठीक है, ये हमको बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर डी फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये एक्सीड द नंबर 3, सिंपल टाइप 1 का क्वेश्चन है बेटा, है ना, सिंपल टाइप 1 का क्वेश्चन है। देखिए जल्दी से इसको देखते हैं, अगर आप चाहें तो आप भी बेटा साथ साथ में बना सकते हैं। x स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, मतलब ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा, और आपको बोला जा रहा है बोथ द रूट्स एक्सीड द नंबर 3, मतलब दोनों ही रूट 3 से बड़े, तो ये ऐसा भी हो सकता है, और दोनों रूट सेम अगर हुए तो ऐसा भी हो सकता है, अगर डिस्टिंक्ट रूट्स हुए तो नीचे वाला और इक्वल रूट्स हुए तो ऊपर वाला, बाकी दोनों रूट्स 3 से अगर बड़े होंगे तो कंडीशन आ जाएंगी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 3 से बड़ा, फंक्शन का वैल्यू 3 पर पॉजिटिव, फंक्शन का वैल्यू 3 पर पॉजिटिव, ये हमारे पास चीजें आती है। डिस्क्रिमिनेंट इसका देखिए क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट आएगा बेटा बी स्क्वायर मतलब 36 डी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 2 माइनस 2 डी प्लस 9 डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 36 काटेंगे 9 आएगा तो हमारे पास आया बेटा 9 डी स्क्वायर, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2 प्लस 2 डी माइनस 9 डी स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 डी स्क्वायर से 9 डी स्क्वायर गया तो 2 डी माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
मतलब d अगर बेटा 1 या उससे बड़ा आ रहा है तो दिस इंप्लाइज d बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 से इंफिनिटी। ये चीज आ गई हमारे पास। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट बेटा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होना चाहिए 3 से बड़ा। तो ये तो हो गया पहली चीज। अब अपन निकालते हैं वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -b/2 है। -b/2 है मतलब 6d/2, -b/2। दिस शुड बी ग्रेटर देन 3। 2 से ये 6 गया, 3 आया, 3 से ये 3 गया, मतलब d शुड बी ग्रेटर देन 1। तो d शुड बी ग्रेटर देन 1 मतलब आ गया d बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। लास्ट है फंक्शन का वैल्यू बेटा 3 पर पॉजिटिव होना चाहिए। तो फंक्शन का वैल्यू 3 पर क्या आएगा? फंक्शन का वैल्यू 3 पर आएगा 3 का स्क्वायर 9 -6 d into 3 और प्लस 2 -2 d प्लस 9 d स्क्वायर। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 9d स्क्वायर और 6 3 18, -18d और -2d, -20d, और उसके बाद आएगा कांस्टेंट में 9 और 2 11 प्लस 11। दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियरली बेटा ये फैक्टराइज होता हुआ भी दिख रहा है 9 और 11 में। आप इसको लिख सकते हैं 9d स्क्वायर -9d -11d प्लस 11 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 9d कॉमन d माइनस 1 माइनस 11 कॉमन d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो बेटा यहां से आ गया 9d माइनस 11 इंटू d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे बेटा जब आप प्लॉट इसको करेंगे आपके पास आएगा 1 और 11/9 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 बोल रहा है तो ग्रेटर देन 0 आएगा d बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से इंफिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास आता है बेटा। अब फाइनली अगर आपको इसका इंटरसेक्शन लेना है फाइनल आंसर के लिए, तो देखिए पहला वाला आपको बोल रहा है 1 क्लोज से इंफिनिटी पे जाओ, है ना। अपन ये 1 है क्रिटिकल पॉइंट, इसमें 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 और एक है 11/9। पहला बोलता है 1 क्लोज से इंफिनिटी चाहिए, दूसरा बोलता है 1 ओपन से इंफिनिटी जाइए, तीसरा बोलता है माइनस इंफिनिटी से 1 आइए और 11/9 से इंफिनिटी जाइए। तीनों में बेटा देखो जो चीज कॉमन है, कॉमन कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा है। तो फाइनल आंसर विल बी डी बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 11/9 से लेकर इंफिनिटी तक। ओपन ब्रैकेट इसलिए क्योंकि एक में हॉल है। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी डी बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 11/9 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है बेटा, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार मैं सारे ही चेक कर लेता हूं। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है एक केस में आ रहा है डी ग्रेटर देन 1 और एक में आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 9d माइनस 11 वाला, ये अपने पास क्वाड्रेटिक आ जा रहा है 9d माइनस 11 और d माइनस 1। बिल्कुल सही है बेटा, फाइनल आंसर विल बी डी बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 11/9 से लेकर इंफिनिटी। ठीक, चलिए एक आखिरी बेटा अपन सवाल देखते हैं, उसके बाद अपन अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन, मैं बोर्ड जल्दी से बेटा क्लियर कर लेता हूं, एक आखिरी सवाल अपन बनाते हैं फिर लेक्चर अपना एंड करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का है। हमें दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 4x² प्लस ax प्लस ए माइनस 3। 4x² प्लस ax प्लस ए माइनस 3। फाइंड ए सच दैट fx इज लेस देन 0। फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव x। मतलब कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 से छोटा हो फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव x। ये बेटा हमारे पास सवाल है। ठीक है, ये लास्ट बेटा क्वेश्चन है आज के दिन का। देखिए आपको x² का कोफिशियंट पॉजिटिव दिख रहा है। अगर x² का कोफिशियंट पॉजिटिव दिख रहा है मतलब ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है। फंक्शन की वैल्यू 0 पर अलग से आप निकाल सकते नहीं है, वर्टेक्स आप अलग से इसमें निकाल सकते नहीं है। हमें बस ये दिया गया है कि अगर ये फंक्शन 0 से छोटा है फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव x
तो एक माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला यार जीरो से छोटा आ रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस से उतर रहा होगा। देखिए क्या इसका ग्राफ कभी भी ऐसा हो सकता है क्या? इसका ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वैल्यूज नेगेटिव तो हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज तो ले रहा है लेकिन नेगेटिव एक्स के लिए नहीं ले रहा। आप चाहते हैं कि कम से कम किसी एक नेगेटिव एक्स के लिए ये अपनी वैल्यूज ऐसी दे, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। ठीक है, ये ग्राफ नहीं हो सकता। कैसे ग्राफ हो सकता है मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास ऐसा हो सकता है ग्राफ कि दोनों ही रूट्स नेगेटिव हो जाए। देख लीजिए, ये नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये नेगेटिव हो रहा है। माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, एक्स एक्सिस के नीचे उतरा है, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए नेगेटिव हो रहा है, ये हो सकता है। और क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये नेगेटिव हो और एक रूट इसका जीरो हो जाए? होने को ये भी हो सकता है, होने को हो सकता है। देखो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए नेगेटिव ले रहा है वैल्यूज। और क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये इस तरीके का कुछ ग्राफ हो जाए? तो इस तरीके के ग्राफ में देखिए नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए कुछ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए नेगेटिव वैल्यू तो ले रहा है, लेकिन इसको अगर आप और आगे खींचोगे ना तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। और आगे खींचोगे तो बेटा कुछ नहीं मिलेगा नेगेटिव। तो यही तीन केस हो सकते हैं, ठीक है ना? यही हमारे पास बेटा तीन केस होने पॉसिबल है, इसके बाद पॉसिबल नहीं। आप इसको और आगे खींचोगे तो फिर वो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए अगर ग्राफ नीचे उतर भी गया एक्स एक्सिस है तो उसका कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव एक्स के लिए बोल रहा है। तो ये पहले वाले केस में समझने की कोशिश करिए बेटा, क्या ये ऐसा d इक्वल टू जीरो वाला केस है क्या पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपको नेगेटिव चाहिए ना, ये ग्राफ नेगेटिव वैल्यूज लेना चाहिए। d इक्वल टू जीरो वाला केस पॉसिबल नहीं है, गलती मत करना इसमें, ठीक है ना? गलती मत करना। d ग्रेटर देन जीरो, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जीरो से छोटा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट देख लो जीरो से छोटा है, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर पॉजिटिव, ये तीन केस आ रहे हैं यहां से। ये वाले में फंक्शन की वैल्यू जीरो पर जीरो के बराबर है, रख के वैल्यूज निकाल के चेक करना पड़ेगा। और ये वाले में तो डायरेक्टली आप फंक्शन की वैल्यू जीरो पर नेगेटिव कर दीजिए, इसमें डिस्क्रिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। टाइप टू का सवाल है, पहले भी मैंने आपको बताया। डी ग्रेटर देन जीरो बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे, डी ग्रेटर देन जीरो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इसका आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से आ गया ए स्क्वायर फोर फोर सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन ए और प्लस 48, 16 थ्री 48, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसको आप बड़ा फैक्टराइज करेंगे, ए माइनस 12 ए माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो, ए स्क्वायर माइनस 12 ए माइनस 4 है, माइनस 16 है, प्लस 48, बिल्कुल सही। तो नंबर लाइन में बेटा आप इसको बना सकते हैं 4 12 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4 यूनियन 12 से इंफिनिटी, ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4 यूनियन 12 से इंफिनिटी। ये आ गया आपके पास डिस्क्रिमिनेंट वाले का आंसर। इसके अलावा और क्या क्या है बेटा हमारे पास? देखो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0 से छोटा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस बी बाय 2a मतलब 8, दिस शुड बी लेस देन 0 मतलब a शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहां से a शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और क्या क्या आ रहा है? और हमारे पास आएगा बेटा फंक्शन की वैल्यू 0 पर पॉजिटिव होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 0 a माइनस 3, a माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए मतलब a 3 से बड़ा होना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या है? क्योंकि ये एक प्रोफाइल के अंदर के तीन छोटे छोटे केस है तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। नंबर लाइन अगर मैं बनाऊंगा तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 0 3 4 और 12, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 0 3 4 और 12। पहला है माइनस इंफिनिटी से लेकर 4 तक जाओ और उसके बाद 12 से लेकर इंफिनिटी तक जाओ, दूसरा है 0 से बढ़ा लो, तीसरा बोल रहा है 3 से बढ़ा लो। क्या कॉमन है तीनों में बेटा? अगर आप कॉमन देखेंगे ना तो ये पहले वाली बेटा प्रोफाइल का आपके पास आंसर आ जा रहा है ए बिलोंग्स टू, देखिए ये वाला हिस्सा 3 से 4 वाला हिस्सा तीनों में कॉमन है, और 3 से 4 वाले हिस्से के बाद देखो ये 12 के आगे वाला हिस्सा यूनियन 12 से इंफिनिटी, ये वाला हिस्सा देखो आपके पास आ रहा है कौन से वाले में से? पहली वाली प्रोफाइल से ये आंसर आ रहा है। दूसरी वाली प्रोफाइल क्या है? फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0,
फंक्शन की वैल्यू जीरो रखो, जीरो पर जीरो जीरो ए माइनस थ्री, मतलब a माइनस थ्री की वैल्यू जीरो अगर होगी तो a की वैल्यू थ्री होगी, और a की वैल्यू थ्री रखने पर रूट्स होंगे क्या पहले ये भी देख लो। तो जब आप बेटा a का वैल्यू थ्री रखेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगा fx का, fx का इक्वेशन क्या बनेगा 4x स्क्वायर और प्लस 3x, 4x स्क्वायर प्लस 3x, 4x स्क्वायर प्लस 3x बनेगा, a का वैल्यू 3 रखूंगा, 3 माइनस 3 जीरो, तो x इंटू 4x प्लस 3, मतलब एक रूट जीरो है, दूसरा रूट माइनस थ्री बाय फोर है, एक रूट जीरो है, दूसरा रूट माइनस थ्री बाय फोर है, तो ये वाली प्रोफाइल तो आ रही है, बिल्कुल सही है, एक रूट जीरो है, दूसरा रूट माइनस थ्री बाय फोर है, बिल्कुल सही है, मतलब a का वैल्यू थ्री भी हो सकता है, आंसर हो सकता है, क्योंकि देखो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए नेगेटिव आ रहा है, d ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। अब इसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे तीसरी वाली प्रोफाइल f of 0 less than 0, f of 0 less than 0 आप करोगे तो क्या आएगा, 0 रखोगे तो 0 0, a minus 3 should be less than 0, मतलब a should be less than 3, ठीक है, तो मेरे पास जो तीनों आए बेटा फाइनल आंसर, अब उसको मैं जोड़ूंगा, क्लब करूंगा, तो मेरे पास पहला एक आंसर आ रहा है 3 से छोटा, मतलब a belongs to आ रहा है minus infinity से लेकर 3 तक, 3 से छोटा, फिर एक आंसर आ रहा है 3, तो यूनियन सिंगल ब्रैकेट 3 यूनियन, फिर आ रहा है बेटा मेरे पास आंसर 3 से 4 और यूनियन 12 से इंफिनिटी, तो जब फाइनल आंसर आएगा बेटा फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो माइनस इंफिनिटी से 3 तक, फिर 3 भी ले लिया, फिर 3 से 4 तक, तो माइनस इंफिनिटी से 4 यूनियन 12 से इंफिनिटी, ये आपका बेटा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं सही अपन ने निकाला या नहीं, तो एक सेकेंड रुक जाइए, बिल्कुल सही है बेटा, माइनस इनफिनिटी से लेकर 4 ओपन तक, यूनियन 12 ओपन से लेकर इनफिनिटी तक, ठीक है ना, इंडिविजुअली बेटा यही आंसर है, एक केस का आंसर है माइनस इनफिनिटी से 3, एक केस का आंसर है 3 और एक केस का आंसर है 3 से 4 यूनियन 12 से इनफिनिटी, तो बिल्कुल सही है फाइनल आंसर बेटा अपने पास जो आएगा दैट विल बी माइनस इनफिनिटी से लेकर 4 ओपन, यूनियन 12 ओपन से लेकर इनफिनिटी तक, बिल्कुल ठीक। तो विद दिस बेटा हम अपने आज के लेक्चर के एंड पर पहुंच चुके हैं, आज हम इतना ही रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, काफी ज्यादा पसंद आया होगा, अगर आपको आज का लेक्चर बेटा पसंद आया है तो अपना एक शानदार सा कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसके कि पढ़ के मैं भी मोटिवेट हो जाऊं कि यार हाँ इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करिए ताकि उनकी पढ़ाई और बेहतर हो पाए, और जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं बेटा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, उसे ज्वाइन करिए ताकि आपको सारे लेक्चर रिलेटेड अपडेट्स टाइम से मिल पाए, और होमवर्क के लिए बेटा क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस शीट्स हैं वो भी मैं उसमें शेयर करता हूं ताकि आप वो भी बना पाए और आप अपने आप को एक लेवल और ऊपर लेकर जा पाए। थैंक यू।